हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू TMI's होम बेस्ड एजुकेशन। सो बच्चों, इन द लास्ट वीडियो हमने जो थ्री डायमेंशनल फिगर्स है, जैसे कि क्यूबिकल है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, तो उसकी हमने लेटरल सरफेस, काउ सरफेस क्या होता है, उसकी हमने जो डेफिनेशन है फॉर्मूलाज है वो किस तरह से बनती है वो हमने डिस्कशन किया। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 11.3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों टेक्स्ट बुक साथ में रखना। क्वेश्चन नंबर वन आपका है, क्वेश्चन नंबर वन आपका कुछ इस तरह से, देर आर टू क्यूबॉइडियल बॉक्स एज शोन इन द फिगर ऑफ एक जॉइनिंग फिगर। मतलब यहाँ पे दो एक क्यूबॉइडियल दिया गया है, उसकी फिगर आपको दी गई है। विच बॉक्स रिक्वायर द लेशर अमाउंट ऑफ द मटेरियल टू मेक, मतलब इन दोनों में से मुझे कितना कम मटेरियल लगेगा अगर मुझे इस टाइप का बॉक्स, मतलब इतनी लेंथ मेजर दी गई हो और यहाँ पे इतनी मतलब मेजरमेंट दी गई, तो किससे मैं कम अमाउंट में मटेरियल मुझे रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, दोनों का हम क्या करेंगे बच्चों, कर्व से टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एकदम ईजी है बच्चों, यहाँ पे फिगर में ए है, इसको मैं फिगर ए कह देते हैं, इसको फिगर बी कह देते हैं। तो फर्स्ट फिगर ए के हिसाब से मैं यहाँ पे लिखूँ मैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब सभी साइड पेक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका टोटल सरफेस बराबर यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है, पूरा का पूरा इसको मटेरियल बनाना है क्यूबॉइड के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, तो उसकी फॉर्मूला हो जाएगी बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या थी बच्चों, टू इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ऑलरेडी हम फिगर ए की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपको एल लेंथ कितनी दी गई है बच्चों, 60 सेंटीमीटर्स, ओके। फिर ब्रेथ आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर्स एंड हाइट आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर्स। बस जैसे आपको वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ से हम लिख सकेंगे, टू इन ब्रैकेट एल आपको दिया गया 60, ब्रेथ आपको दी गई है 40, तो 60 इंटू 40 प्लस ब्रेथ आपको दी थी 40, हाइट आपको दी है 50, ओके। और एच एल, एच आपको दिए गए 50 इंटू 60। नाउ इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो 4 6 4 6 कितना होता है 24, तो ये आपको हो जाएगा 2400, बाकी के दो जीरो एज इट इज, 5 4 20 और बाकी के दो जीरो एज इट इज, मतलब 2000 एंड 6 5 30, तो ये आपका हो जाएगा 30 और बाकी के दो जीरो एज इट इज। तो इसका अगर आप लोग एडिशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4 + 3 = 3, मतलब 7400, तो ये आपका हो जाएगा 7400 बच्चों, कितना हो जाएगा 7400 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से अब क्या करेंगे बच्चों, इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 74 2 ज़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 7 2 ज़ा 14, इसका मतलब ये आपका हो गया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब अगर मुझे इस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का क्यूबॉइड दिया है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 14,800। नाउ फिगर बी की बात कर लेते हैं बच्चों, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किस, क्या बच्चों यहाँ पे दिया गया मुझे जो बी है उसका हम देख लेते हैं, वो क्यूब के फॉर्म में है। कैसे पता चलेगा क्यूब के फॉर्म में, बिकॉज सभी साइड बच्चों कितनी दी है, सेम दी गई, इसका मतलब उसकी फॉर्मूला क्या थी, 6L² या कुछ भी ले सकते हो बराबर, 6L² भी लिख सकते हो या 6S² भी लिखते हो, बट यहाँ पे हम लेंगे 6L², तो 6 इंटू लेंथ अभी दी गई कितनी है, एज इट इज 50 है, तो यह आपका हो जाएगा 65 का स्क्वायर कितना होता है, हमने पढ़ा था 25 और 0 के दो 0, 25 6 25 4 होता है बच्चों 100, तो ये आपका हो जाएगा 150, इसका मतलब 15,000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ऑब्वियसली बच्चों दिख ही रहा है यहाँ पे किसका एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्यूब के फॉर्म में दिया गया उसका एरिया आपका आ रहा है 15,000 और यहाँ पे इसका आ रहा है 14,800, तो किसका मटेरियल कम होगा, जिसका एरिया कम होगा उसका मटेरियल कम यूज़ होगा, इसका मतलब जो फिगर ए है उसका जो मटेरियल होगा वो कम होगा। ना क्वेश्चन नंबर टू की ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू कुछ इस तरह से दिया गया आपको, अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर टू बी कवर विद अ टारपेलियन क्लॉथ। मतलब कोई एक सूटकेस, सपोज बच्चों सूटकेस इस तरह से मुझे दिया गया,
मुझे वो 80 40 इतने 24 8, मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कुछ भी हो सकती है बराबर। तो यहाँ पे मैंने फिगर में ड्रॉ किया है बच्चों सूटकेस एक, उसकी आपको लेंथ आपको दे दी है 80 सेंटीमीटर्स, मे बी ब्रेथ है आपकी 48 सेंटीमीटर्स, लेंथ हम कंसिडर कर देते हैं यहाँ पर हो चुकी है आपकी 80 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ आपको दी गई है यहाँ से ये आपको दी है 48 सेंटीमीटर्स और ये आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। तो मुझे बताना है कि टाइपिंग द क्लोथ, तो एक ये जो पूरा सूटकेस है उसका कवर बना है, कवर बनाना कर रहे हैं ओके। फिर बोला गया हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पेलिन ऑफ विथ 96 मीटर इज रिक्वायर्ड टू बी कवर 100 सच सूट्स। तो पहले तो वन मोर टाइम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सूटकेस विथ मेजर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर टू बी कवर विथ अ टार्पेलिन क्लोथ, मतलब एक टार्पेलिन क्लोथ के हिसाब से इसको कवर करना है। फिर बोला गया हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टार्पेलिन ऑफ विड्थ ऑफ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू बी 100 सूट्स कवर्स। तो ऐसे में अगर 100 सूटकेस ले लूँ तो मुझे कितना टार्पेलिन क्लोथ है बराबर उसका रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी। बट बच्चों सपोज यहाँ पे देखो मैंने ऐसे 100 सूटकेस रख दिए, 1 सूटकेस 2 3 4 बराबर, ऐसे 100 सूटकेस मैंने रखे तो उसके ऊपर से मुझे जो क्लोथ चाहिए वो कितना होना चाहिए ओके। उसकी ब्रेथ मुझे देखो यहाँ पे कुछ दिया गया है हाउ मेनी मीटर्स, मतलब कितना मीटर्स वो रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसकी विथ, मतलब उसकी विथ कितनी है, 96 मुझे दे दी है, मतलब ब्रेथ दे दी है, मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 का सूटकेस है तो 100 सूटकेस के ऊपर मैंने इस तरह से कवर रखा, तो किस फॉर्म में होगा बच्चों, रेक्टेंगल के फॉर्म में। रेक्टेंगल के फॉर्म में एक फॉर्मूला क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे ब्रेथ दे दी है, मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये इस यहाँ पे ये जो कवर एरिया होगा वो कितना होगा बच्चों, एक सूटकेस का मैं एरिया फाइंड आउट कर लूँ, फिर क्या करूँगा उसको, ऐसे मुझे 100 सूटकेस चाहिए तो 100 सूटकेस का क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो डायरेक्टली बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, तो एरिया ऑफ सेक्शन बराबर कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली पहले में क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम डायरेक्टली 100 सूटकेस का फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले एक काम करते हैं हम, इसका है किसका ये जो आपको दिया गया क्लोथ है क्लोथ बराबर, उसका एक सूटकेस का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं आप लिख रहे क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 सूटकेस इज इक्वल टू, ऑब्वियसली कौन सी फॉर्मूला आएगी, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है बराबर, तो टोटल सरफेस की फॉर्मूला क्या थी, 2 LB + BH + HL सभी दिया गया है, तो यहाँ से 2 80 बराबर, ब्रेथ कितनी दी गई है 48, तो मल्टीप्लाई बाय 48 बिग ब्रैकेट में कर लेते हैं, मतलब 48 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस हाइट दी गई आपको 24 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है आपकी यहाँ पे 80 ओके बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ से आपका 80 मल्टीप्लाई बाय 48 करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये आएगा 3840। ये मल्टीप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी कर लिया है ओके, सो इसलिए डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो पूरा वीडियो आपका है वो 50 मिनट का बन जाएगा। सो डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर लिया है और 48 मल्टीप्लाई बाई 24 करोगे तो बच्चों आपका आ जाएगा 1152 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो बच्चा आपको आएगा 1920। बस अभी इसका एडिशन कर लेते हैं, इसका एडिशन करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6912, कितना हो जाएगा 6912, तो ये आपको इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 1013824 सेंटीमीटर स्क्वेयर। बच्चों ये एक सूटकेस का कवर है एरिया, तो हमें कितने सूटकेस चाहिए थे 100 के, तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, तो देयरफॉर तो 100 सूटकेस में क्या हो जाएगा, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस इज इक्वल टू 13824 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे बस इसके साथ पीछे दो जीरो लग जाएंगे 1382400। तो यहाँ से 1382400 दिया गया बच्चों, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। नाउ एरिया ऑफ टार्पेलिन बराबर, एरिया ऑफ टार्पेलिन, टार्पेलिन का मतलब बच्चा होता है हम गुजराती में तालपत्री कहते हैं ओके। तो एरिया ऑफ टार्पेलिन इज इक्वल टू कितना मिला मुझे 1038 2400 ओके।
तो यहाँ से बच ओके जो हमारा जो रिवीज थी वो भी सेंटीमीटर में ही है, तो नो प्रॉब्लम डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ से इसका एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 1382400। यहाँ से ब्रेथ मुझे दी गई है बराबर वो 96 है, तो लेंथ मुझे मिल जाएगी 1382400, ब्रेथ 96 नीचे चला जाएगा बच्चों, तो लेंथ आपकी मिल जाएगी 1382400 अपॉन 96। अभी यहाँ पे 96 के साथ डिवाइड करेंगे 1382400 को, तो 96 वन सा ही होगा बच्चों, बिकॉज 96 टू जब इससे बढ़ जाएगा तो 96 वन सा 96, यहाँ से 8 में से 6 जाएगा तो बच्चों 2 हो जाएगा, 3 में से 9 नहीं जाएगा कट मार के, यहाँ से 13 में से 9 कितना हो जाएगा 4, ऊपर से नीचे आएगा 2, 422 फिर से 96 4 जा चलेगा बच्चों, 96 4 जा कितना होगा या को हो जाएगा 384, तो यहाँ से ये बचेगा 384, 96 4 जा 384 या को हो जाएगा 00, ऊपर से 20 आएंगे तो ऊपर की 20 चले जाएंगे। इसका मतलब लेंथ अभी क्या आएगी बच्चों 14400 सेंटीमीटर, ओके सेंटीमीटर स्क्वेयर नहीं है सिर्फ सेंटीमीटर ही आएगा, बट मुझे क्या बोला गया है हाउ मेनी मीटर्स, मुझे सेंटीमीटर नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए मीटर चाहिए, तो इसको मीटर के साथ डिवाइड कर देते हैं, मतलब मीटर के मेकर लगा जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा है तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर हमारे पास गूगल मीट तो है, गूगल मीट में हम ये क्लियर कर लेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 आपको कुछ बोला गया फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब व्हिच सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्यूब दिया गया उसका सरफेस एरिया दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो इसका साइड फाइंड आउट करनी है बराबर, तो नहीं हो जाएगा, तो कुछ नहीं एकदम इजी, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या थी 6L² या 6XS², ओके ये आपको दिया गया 600 इज इक्वल टू 6L² 6 डिनोमीटर में चला जाएगा, तो 600 अपॉन 6 इज इक्वल टू L² देयरफॉर ये 600 6 जा तो 100 इज इक्वल टू L² देयरफॉर L इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकालो तो 100 का स्क्वायर क्या होता है 10, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये लेंथ मिल गया, कितना इजी समझना, ओके तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की साइड चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपको दिया गया है रुक्सार, ओके हड़फा रुक्सार खास ध्यान रखना, रुक्सार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर, हाउ मच सरफेस एरिया डिड द कवर इफ दिस सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम ऑफ द कैबिनेट, तो उसको कितना मतलब कि या उसने पेंटेड किया होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब नीचे का बॉटम पार्ट नहीं किया है, मतलब चारों की चारों साइड और ऊपर की छत, मतलब छत एक मीन ये वाली साइड उसने कवर की है पेंट किया, ये वाली साइड फिर ये वाली साइड पीछे की साइड, इसका मतलब टोटल कितना किया होगा उसने 5 साइड कवर की है बराबर, एक बॉटम पार्ट कवर नहीं किया है, तो कौन सी फॉर्मूला आएगी बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पहले हम लिख लेते हैं कि भाई टोटल टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कौन सी फॉर्मूला आएगी बच्चों यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों फॉर्मूला कौन सी आएगी, देखो ये टू ये वाली साइड मतलब यहाँ पे हाइट होगी और मेरी ब्रेथ होगी, तो इस साइड भी हाइट और मेरी ब्रेथ होगी, तो वो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 2HL + 2HB + LB, ये वाली फॉर्मूला है, क्यों 2HL मतलब हाइट और ये वाली लेंथ, हाइट यहाँ से ले लेते हैं बराबर 2HL 2HB एंड LB, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब ये वाली फॉर्मूला, यहाँ से बॉटम पार्ट तो कवर नहीं करना, इसका मतलब बॉटम पार्ट तो कवर पेंट नहीं करना, तो उसने ऊपर का जो ये टॉप वाला पार्ट किया तो वो सिर्फ एक ही बार आएगा, बाकी का ये वाली साइड और आगे पीछे वाली साइड वो दो बार आएगी, तो यहाँ से बच्चों में 2 कॉमन ले लो, तो 2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2H, यहाँ पे दोनों में एच भी कॉमन और 2 भी कॉमन है, तो 2H कॉमन ले लो तो ये आपका हो जाएगा L + B + LB, बहुत ही ईजी है कुछ नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, क्या जब भी आपको 5 साइड बोला गया है 5 साइड का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला याद रखनी है 2H in bracket LB + LB बराबर, क्यों L इस तरह से फॉर्मूला लिखे बच्चों, बिकॉज बॉटम वाला पार्ट नहीं आएगा,
ओके तो जस्ट फॉर्मूला रख दो यहाँ पे टू, तो टू इंटू एच, एच आपको कितनी दी गई है, हाइट आपको दिया गया बच्चों 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर लिख दो, बहुत ही ईजी, उसमें है ही नहीं कुछ, 1.5 मीटर लिख दो यहाँ पे 1.5, तो एच आपने लिख दिया 1.5, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितनी आपको यहाँ पे बच्चों दी गई है, लेंथ मुझे दी गई है 2, प्लस ब्रेथ कितनी दी गई बच्चों मुझे, ब्रेथ आपको दिया गया है यहाँ पे, आपको दिया गया बच्चों ब्रेथ ये रही 1 मीटर, प्लस लेंथ कितनी दी है, लेंथ ये रही मेरी 2 मीटर्स, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मिला कितने बच्चों 1, तो यहाँ से बच्चों आपका हो जाएगा क्वेश्चन कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2.2 इन ब्रैकेट 1.5, तो 1.5 दो बार लिखे तो 3 हो जाएगा, ओके मल्टीप्लाई में 2 प्लस 1 3, यहाँ से 2 वन जा 2, तो 3 3 जा 9, ओके सॉरी 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 बच्चों यहाँ पे प्लस है, देखो ये मिस्टेक ना हो जाए, 3 3 जा 9, तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 2, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 कितना आ जाएगा 11 मीटर स्क्वेयर, इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 11 मीटर स्क्वेयर, आपका फाइनल आंसर, इसका मतलब उसको टोटल कितना एरिया कवर पेंट करना पड़ेगा 11 मीटर का, उसने बॉटम पार्ट छोड़ दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया आपको, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सेलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल वॉल सॉरी विद द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 50 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली, फ्रॉम ईच कैन पेंट 100 मीटर स्क्वेयर ऑफ एरिया इज पेंटेड, हाउ मेनी कैंस ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम, इसका मतलब एक इस तरह से बच्चों मेरा क्या एक वॉल है, ओके वॉल मुझे इस तरह से दिया गया है, इस होल को अगर मैं ये होल सपोज मेरा बच्चों 600, इसका होल का एरिया टोटल 600 मीटर स्क्वेयर है, ओके तो एक मीटर में मतलब एक मीटर में जो 100 मीटर स्क्वेयर था बच्चों उसमें क्वेश्चन में यह बोला गया जो एक कैन है मतलब ये जो कैन है यहाँ ये जो कैन पेंट से भरा हो वो पेंट इस कैन से मैं कितना एरिया कवर कर रहा हूँ 100 मीटर कर रहा हूँ तो टोटल मुझे 600 एरिया कवर पेंट करना है तो कितने कैन लगेंगे ऑब्वियसली क्या करेंगे बच्चों जितना एरिया है और उसके हम डिवाइड कर देंगे तो 600 को 100 से डिवाइड कर दें इसका मतलब मुझे ऐसे टोटल 6 कैन चाहिए होंगे कितने एरिया को कवर करने के लिए 600 मीटर को एरिया को कवर करने के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि भाई एरिया टू बी पेंटेड पहले तो क्या लिखेंगे मैं कितना एरिया पेंट कर रहा हूँ वो फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर्मूलास बरोबर पहले तो क्या हो जाएगी बच्चे 4 वॉल्स 4 वॉल्स कलर करनी है और एक छत कलर करनी है तो अभी हमने जो फॉर्मूला समझी थी बरोबर तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं नो प्रॉब्लम बहुत ही ईजी क्वेश्चन है तो यहाँ पे बच्चों डायरेक्टली मैं क्या करूँगा वही डोले फॉर्मूला रहता हूँ 4 साइड वाली और एक छत टोटल 5 साइड है तो यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूला लिखी है 2HL + 2HB प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ से 2 कॉमन 2H कॉमन ले लो तो L + B + LB 2 इन ब्रैकेट कितना दिया गया हाइट आपको दी थी बच्चों हाइट आपको दी है यहाँ पे 7 मीटर बरोबर ये हाइट 7 मीटर दिया गया है ब्रेथ आपको 10 मीटर दी है और लेंथ आपको 15 मीटर दी है तो यहाँ से सॉरी मीटर लिख दिया लेंथ आपको दी गई है 50 + 10 + 15 इन ब्रैकेट 10 7 × 2 = 14 बच्चों मल्टीप्लाई बाय 15 × 150 यहाँ पर हो जाएगा 25 देखो ये मिस्टेक ना हो 14 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 15 + 20 है 25 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 150 25 × 14 तो 250 प्लस ये इधर बच्चों तकरीबन आपका आएगा 350 जैसा कैसे पता चलेगा माइंड कैलकुलेशन किस तरह से मैंने किया देखो 25 और इसको मैं 10 + 4 लिख सकता हूँ तो 250 हो सकता है ना देखो इस तरह से मैंने आपको पहले भी आपको सिखाया था 25 मल्टीप्लाई बाय इसको मैं 10 + 4 लिख सकता हूँ तो 25 × 10 तो 250 25 × 4 = 100 ये आपको हो गया 350 प्लस 150 एज इट इज तो ये बच्चा आपका टोटल आ जाएगा 5400 इसका मतलब 500 मीटर स्क्वेयर मीटर है या सेंटीमीटर मीटर स्क्वेयर तो इसका मतलब इस जो क्यू जो वॉल थी बरोबर वॉल था उसका कितना एरिया कवर करना है मुझे 500 मीटर तो हमें पता था कि भाई वन कैन है
तो 1 कैन में कितना हो जाएगा बच्चों, देयर फोर कितने कैन लगेंगे, तो लिख देते देयर फोर नंबर ऑफ कैंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 500/100 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब मुझे अगर 500 मीटर स्क्वायर वाला एरिया है तो इसका मतलब कितने कैंस लगेंगे 100 मीटर एरिया कवर करने के लिए, 5 कैंस। बहुत इजी क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 के टोटल 5 सम्स किए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको मैं नेक्स्ट 5 सम्स सॉल्व करेंगे। टिल देन जय हिंद, धन्यवाद।